हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं ना कि आप एक घंटे के अंदर करोड़पति बनने वाले हो। यकीन हुआ? नहीं हुआ यकीन ना? तो भाई यहां पे मैं ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताने वाला, ना आपको कोई वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो एक घंटे में 5 लाख 10 लाख, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप इस वीडियो में अगर आए हो तो मैं आपको इस वीडियो में इतना कुछ ज़रूर सिखा दूंगा कि अभी रिसेंटली अगर एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो आप 1-2 महीने में स्किल सीख के कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ये वीडियो इस वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हो और आप 1-2 महीना बचा हुआ खाली बैठे हुए घर पे, तो स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर पे स्किल बहुत डिमांडेड है। ये जो आप सर्च कर रहे हो ना, हाउ टू मेक मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आपको फिर वही फ्रॉड वेबसाइट वाले में जाना होगा, रेफर करना होगा उनको, उनको मिली इनकम आपको इस तरह हुआ, यानी इस तरीके से वो फिर करना होगा। ये फ्रॉड स्कैम है जो कि इलीगल कहा जाता है, ठीक है? तो मैं यहां पे आपको वैल्यू देने वाला हूं कि आप एक प्रॉपर स्किल सीख के ओनली 1 घंटे, 1 दिन 2 दिन में नहीं, आप लाइफ टाइम कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है? बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है, आप एंड तक जरूर देखना। अगर मजा नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, बट वीडियो आप जरूर देख के जाना अगर आप स्टूडेंट हो या आपको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट जो स्किल है जो आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में ग्रो करवा सकती है, वो मैं रखता हूँ फर्स्ट पे रखता हूँ मैं MMS ऑफिस को, ठीक है? अगर आप ये स्किल को सीखते हो तो आप घर बैठे 15,000 से लेके 30,000 तक आप अर्निंग कर सकते हो। क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, A to Z आप YouTube में सर्च करो, आपको मिल जाएगी। ये फर्स्ट स्किल आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एंड सेकेंड स्किल की मैं बात करूँ तो वो सबसे डिमांडेड स्किल है अभी के दौर पर, वो है वीडियो एडिटिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना सीख गए, तो बहुत ऐसे क्लाइंट है जो आपसे वीडियो एडिटिंग करवाएंगे और आपको पे आउट करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी के वक्त पे यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर हो चुका है और उनको, हर यूट्यूबर को एक एडिटर की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख जाते हो तो आप किसी को अच्छे यूट्यूबर, अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो तो आप किसी यूट्यूबर को मेल कर सकते हो कि मैं आपके वीडियोज़ को एडिट करना चाहता हूँ, अगर मेरी एडिटिंग आपको अच्छी लगे तो आप मुझे हायर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर उसे मेल करते हो, वो अगर आपकी एडिटिंग स्किल अच्छी होगी तो वो आपको हायर कर लेगा और आपको मंथली पे आउट करेगा। अब मैं बता दूं इसकी इनकम, अगर आप अच्छे से सीख, यानी आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की नीड नहीं है, आप फोन से भी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। आप कैसे सीखना है, कैपकट है, VI है, वीटा, बहुत सारा ऐप है, तो आप जाके वहां पे सीख सकते हो। अब क्या सीखना है, कैसे सीखना है, पहले आप नोट करते जाओ मैं क्या क्या चीजें को बता रहा हूँ। फर्स्ट मैंने बताया MMS ऑफिस, सेकंड बताया मैंने वीडियो एडिटिंग, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ इसे आप नोट करते जाओ। एंड वीडियो को एंड होने के बाद आप YouTube में लिखना कि हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग फ्रॉम जीरो टू हीरो, ठीक है? वो मैंने आपको एक कैप्शन भी बता दिया, ठीक है? ये सर्च करोगे। मैं बात करूँ इनकम की, तो आप इनकम यहाँ से 50,000 to 1 lakh आप हिट कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छा क्लाइंट मिल गया जो आपको पे करता है अच्छे अमाउंट पे। थर्ड स्किल इज दैट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा निश है, अपने आप में बहुत बड़ा निश है। तो यहाँ पे अगर आप वर्डप्रेस सीख जाते हो, यानी आपने देखा होगा कभी कभी आप वीडियो देखते टाइम या रील देखते टाइम जो ऐड आता है उसे ऐड रन कहते हैं, यानी वो जो ऐड रन होता है वो आप किसी के वेबसाइट पे टैप करते हो, वो डायरेक्ट आप उनकी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो, ठीक है? तो वो किसी के थ्रू ऐड चलाया जाता है तभी वो आपको शो होता है। एक पर्टिकुलर निश के थ्रू एक पर्टिकुलर पर्सन अपने ऐड को रन करता है। अगर आप इसको सीखते हो तो इससे आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हो, जो कि बहुत डिमांडेड स्किल है जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड फोर्थ एंड फाइव जो है मेरा वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, फोर्थ ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आपने देखा होगा जो यूट्यूब जो आप वीडियो मेरी देख रहे हो, ये क्यों देख रहे हो, आपने फर्स्ट मेरे एक पोस्ट देखा, एक थंबनेल देखा, वो अट्रैक्टिव लगा तभी तो आपने मेरे वीडियो पे टैप किया, तभी आपने मेरे वीडियो को देखना शुरू किया, ठीक है? वो जो ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं उसे हैं जो एक बहुत अच्छे से पोस्ट बनाए एंड अपने वो ग्राफिक ऐड करे अच्छे तरीके से, यूनिक वे पे बनाए तभी वो लोगों को अट्रैक्ट करे, उसे ग्राफिक डिज़ाइनर कहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन एक अपने आप में बहुत बड़ा एक निश है, ठीक है? इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो आप अगर थंबनेल डिज़ाइन करना ही सीख जाते हो तो आप
किसी के लिए मंथली आप हायर हो सकते हो, कोई आपको हायर कर लेगा अपनी थंबनेल को डिज़ाइन करने के लिए। 4 ऐसी स्किल है अगर आप इस पे अच्छे से वर्क करना चाह अगर आप हाई अगर ये 4 स्किल आप अच्छे से सीख जाते हो तो आप बहुत आगे ग्रो करोगे। एंड ये जो हाउ टू अर्न विदाउट इन्वेस्टमेंट है, इसको सर्च करना बंद कर दो, कुछ नहीं होता इससे। आप स्किल सीखो एंड अर्निंग करो, इससे आपकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप आगे जाके काफ़ी ग्रो होंगे, ठीक है। तो अगर ये स्किल आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आपके इसमें 4 में से फेवरेट स्किल कौन सा और आप कौन सा सीखना चाहते हो। तो अगर और किसी स्किल के बारे में आप अगर मुझे डिमांड करते हो तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप शेयर ज़रूर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम के बाद अभी रील्स पे बिजी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग वीडियो में टॉपिक के साथ।